दोस्तों, होम्योपैथी के इस चैनल में आज जरियाने खून के मतलब आपको आगाही देनी ज़रूरी समझता हूँ। जरियाने खून से मुराद खून निकलना इंसानी जिस्म से बाद खून बकसरत बहने लगता है, उस वक़्त एक तो रुकता नहीं और दूसरा बहुत ज़्यादा बहने की वजह से मरीज़ तो परेशान होता है, दूसरे भी देख देख कर परेशान होते हैं। कबल इसके कि दुआ का आपको बताया जाए, आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों, ऐसी सूरत में होम्योपैथी दवा मिलीफोलियम इस्तेमाल करने से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, यहाँ तक कि कैंसर तक के जख्मों से जराने खून के लिए भी मुफीद साबित होती है। खून का दौरान ज़्यादा होने की वजह से आँखें सुरख हों और नज़र धुंधला जाए और साथ ही नकसीर फूटने का बहुत रुझान हो तो इसमें भी ये फ़ायदा मंद है। इस बीमारी में आमतौर पर मिलीफोलियम 30 को फास्फोरस 30 से मिलाकर दिया जाए तो दोनों इकट्ठी बहुत मुअसर होती हैं। जिन लोगों में जरियाने खून का रुझान हो, अगर उन्हें ऑपरेशन से पहले मिलीफोलियम 1000 कि एक खुराक दे दी जाए तो मुफीद साबित होती है। याद रहे कि मिलीफोलियम खून को जमने नहीं देती, इसकी 30, 200 और 1000 में पोटेंशियाँ बवक्त ज़रूरत और हालात इस्तेमाल की जा सकती हैं। अमूमन 30 ही काफ़ी मुफीद होती है। दोस्तों, होम्योपैथी अद्वियात का घर में होना आपको बहुत सी परेशानियों और अखराजात से बचा सकता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।